दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हिमालयन हैशटैग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए जा रहे हैं भारत के उत्तर में स्थित भगवान शिव की तपोभूमि पिथौरागढ़ जनपद की सैर पर। चीन के साथ भारत की तनातनी के मद्देनजर 24 फरवरी 1960 को इस जनपद का निर्माण किया गया था। हमेशा से ही पिछड़े रहे इस जनपद ने हाल ही में उत्तराखंड राज्य को एक युवा मुख्यमंत्री दिया है। वर्तमान में सड़कों की स्थिति सुधरने एवं सोशल मीडिया के सक्रिय होने से लोग इसके अद्भुत सौंदर्य को निहारने पहुंचने लगे हैं। जिले के पर्यटन उद्योग को चार चांद लगाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास थरकोट झील के रूप में हुआ है। यह झील न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रही है बल्कि पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन एवं विद्युत उत्पाद में भी आत्मनिर्भरता की ओर गतिमान है। आप देख रहे हैं गुरना माता का मंदिर। यहाँ के लोग घर से बाहर जाते हुए कभी भी माँ के मंदिर में मत्था टेकना नहीं भूलते। आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ की भगवती माँ उल्का देवी का मंदिर। प्रातः काल इस क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की एक अच्छी खासी तादाद देखी जा सकती है। यह है कुमाऊं मंडल विकास निगम का पर्यटक आवास गृह। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं का एक पड़ाव इसी पर्यटक आवास गृह में होता है। वर्तमान में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास द्वारा इसको अत्यधिक सुंदर बना दिया गया है। यहाँ पर बर्फ से लगभग दर्जनों चोटियाँ एवं सैकड़ों अल्पाइन बुग्याल मौजूद हैं, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निमंत्रण पर हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान शिव की इस तपोभूमि में पधारे एवं आदि कैलाश तथा ओम पर्वत के दर्शन करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए। अपनी इस यात्रा के दौरान उत्तुंग पर्वत चोटियों, मखमली बुग्यालों के साथ ही स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए भव्य स्वागत से प्रधानमंत्री मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए 4,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। आपने चैनल को विजिट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक तथा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।